हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मग केक की। और ये मग केक जो है हम टी कप में और कॉफ़ी मग में किसी में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मग केक बना रही हूँ, तो ये मैंने कॉफ़ी मग लिया है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी तो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो है 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है मैंने। उसी के साथ मैंने 3 टेबल स्पून कैस्टर शुगर ली है और 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। बाकी जो है ये मैंने मिल्क लिया है 2 टेबल स्पून और पानी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। और बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून और ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। तो ये जो है मैं चॉकलेट मग केक बना रही हूँ, आप वनीला भी बना सकते हैं। और ये 1 मिनट के अंदर माइक्रोवेव में बन जाता है फौरन से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चले हम अब स्टार्ट करते हैं अपना केक बनाना। और ये जो है हम सिर्फ मग में ही बनाएंगे, जिस मग में हमें केक बना रहे हैं हम उसी में ही डाल के मिक्स करेंगे और केक का बैटर बनाएंगे। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ ये इसी मग में मैदा। तो ये सारा मैदा हम डाल देंगे, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है। तो ये मैदा हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें जो है कोको पाउडर ऐड करेंगे, ये 2 टेबल स्पून है, ये ऐड कर दिया मैंने। और अब ये शुगर ऐड करेंगे हम इसमें, ये है 3 टेबल स्पून। अगर आप नॉर्मल शुगर लेना चाहते हैं तो आप 4 टेबल स्पून लीजिएगा, वरना कैस्टर शुगर तो आप 3 टेबल स्पून लीजिएगा। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोको पाउडर, मैदा और चीनी ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए, जिस तरह हम नॉर्मली केक बनाते हैं। तो ये भी उसी तरह बनेगा, बट इसमें एग नहीं जाएगा, ये एगलेस है। और बस सिंपल सी चीज़ें हैं वो आपको ऐड करनी है। और 1 मिनट के अंदर माइक्रोवेव में आपका केक तैयार है। तो इन सब को देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप इसी तरह फोक की मदद से मिक्स करेगा। और अब हम इसमें जो है बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसी के साथ। और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। तो ये मैंने निकाल के 2 टेबल स्पून ही रखा हुआ था, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे, ये मैंने हल्का सा नीम गरम कर लिया था, तो वो आप इसमें ऐड करेगा, ये भी 2 टेबल स्पून है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में हम पानी भी ऐड कर देंगे इसमें, ये भी 2 टेबल स्पून है। तो इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे फोक की मदद से। और अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है। तो हम अच्छे से इन सब को मिक्स करेंगे और माइक्रोवेव में हम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तो इसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन करना चाहें, चॉकलेट चिप वगैरह डाल दें। मैंने ओरियो बिस्किट मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने वो ऐड कर दिया, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। और अब हम इसको माइक्रोवेव के लिए रख देंगे 1 मिनट का टाइमर लगा के। तो 1 मिनट हो गया है, तो ये देखिए ये हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये कितना हाफ़ था, बिल्कुल हाफ़ था। और ये देखें कैसे ये बिल्कुल केक जैसा बन गया है, कितना यमी लग रहा है ये। और अभी मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि ये देखें
देखें बिल्कुल ब्राउनी की तरह है, और आप इसमें इसके ऊपर आइसक्रीम रख के खाएँ, चॉकलेट सिरप ऐड करें, आप खा सकते हैं आराम से। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, तो ये फ़ौरन से झटपट सी रेसिपी है, ये मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। आप वनीला भी बना सकते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप इस पे आइसक्रीम और चॉकलेट सिरप भी रख के खा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।